श्रद्धा की लाश के सामने सोचता रहा। उसके बाद वो एक फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफ्ताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है। और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफ्ताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहाँ रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। बॉडी पार्ट को वो पॉलीथीन में जरूर लेकर जाता था, लेकिन जब वो फेंकता था बॉडी पार्ट का टुकड़ा तो पॉलीथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि आसानी से जल्दी जो बॉडी है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, कोई जानवर उसे खा सके। तो बाकायदा हत्याकांड को अंजाम देता है। सोची साजिश के तहत वो फ्रिज, ये काफ़ी बड़ा 300 से 350 लीटर का ये फ्रिज है, वो लेकर के आता है। उसके बाद बॉडी पार्ट के जो टुकड़े हैं वो इस फ्रिज में रखता है और रोजाना जो अभी तक जानकारी मिली है तकरीबन 16 से 17 दिन वो एक एक टुकड़े इस फ्रिज से निकाल करके छतरपुर के जंगलों में फेंकता है। तो एक तो जघन्य हत्याकांड, श्रद्धा की गला दबा के वो हत्या करता है, उसके बाद लाश के पास बैठकर वो घंटों ये सोचता है कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। सूत्रों के मुताबिक जो आफ्ताब है उसने सेफ का कोर्स भी किया हुआ है, इस वजह से उसने उसे एक्सपीरियंस था। इस वजह से उसने बाकायदा एक हथियार लाया घर के अंदर और जो बॉडी पार्ट है उसके टुकड़े की और उसके बाद फ्रिज में रखा और इस तरीके से जो बॉडी पार्ट है उसको ठिकाने लगाने का प्लान उसने बनाया था।